नफासत नजाकत बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम तो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोग लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक है शेक इफेक्ट और एक है बीटमा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप इसलिए डाउट कर लेना। तो गाइस, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने बीटमा प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ठीक है, तो सिंपली आपने सबसे पहले बीटमा प्रोजेक्ट को ओपन करना। यहाँ पर जैसे ओपन करोगे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का लिरिक्स वगैरह ऐड किया हुआ मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ऐड किया हुआ ना मिले तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसको इजीली डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेना। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग पे आना है और यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपको यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिस भी फोटो से आप एडिटिंग करना चाहते हो सिंपली आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो कैसे आप अपने फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको फोटो पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन ये करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बिट पैक इसको ट्रिम कर देना इमेज को, फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना, कोई दूसरा इमेज लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, फिर नेक्स्ट बिट पैक ट्रिम कर देना, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, कोई दूसरा इमेज लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, फिर नेक्स्ट बिट पैक ट्रिम कर देना। तो गाइस, कुछ इस तरह से जो है आपको अपने सारे इमेजेस को जो है एक एक करके जो यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना, कोई दूसरा इमेज लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, नेक्स्ट बिट पैक ट्रिम कर देना, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और अपना कोई दूसरा में लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, फिर नेक्स्ट बिट पैक ट्रिम कर देना। तो गाइस, कुछ इस तरह से जो है आपको एक एक करके अपने सारे इमेजेस को जो पूरा एंड तक ऐड करना है। ठीक है, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, नेक्स्ट बिट पैक ट्रिम कर देना, फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और आपको कोई दूसरा में ले लेना, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, नेक्स्ट बिट पैक ट्रिम कर देना। तो गाइस, इस तरह से जब आपका इमेज ऐड हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली बैक आना है। ठीक है, आने के बाद आपको अपने शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर सिंपली ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पर फोटो पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे इफेक्ट पे जाना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, कॉपी इफेक्ट करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको सिंपली बैक आना है और आपको अपने चले जाना है बीटमा प्रोजेक्ट पर। ठीक है, और यहाँ से स्टार्टिंग पे आना है और यहाँ पर इस इमेज पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट इमेज को छोड़ देना है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट इमेज में इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है, फिर आपको अगला इमेज को छोड़ देना है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट इमेज में इस इफेक्ट को पेस्ट करना है। ठीक है, तो गाइस आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर आपको बैक आना है, शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर जाना है और सेकेंड इमेज पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना। ठीक है, फिर बैक आना है, बीटमा प्रोजेक्ट पर जाना और यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली जहाँ पर आपने इफेक्ट को ऐड नहीं किया था वहाँ पर सिंपली इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आपको आगे आना है, देख लेना कहाँ पर हमने छोड़ा था। तो इस तरह से कैसे आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह से आप जो है इजिली पूरा एंड तक इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर सिंपली बैक आना है, इफेक्ट पर जाना है सिंपली यहाँ पर और यहाँ से दो लेयर को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक करना, कॉपी टू लेयर करना। ठीक है, फिर बैक आना, बीटमार प्रोजेक्ट पर जाना और आपको क्या करना है, डबल बीटमार के पास आना है, प्लस पे क्लिक करना, पेस्ट टू लेयर कर देना। ठीक है, उसके बाद ये पूरा एंड तक आपका ये ऐड हो जाएगा इफेक्ट, उसके बाद यहाँ से आपका एडिटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरह से बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद आपको क्या करना होगा, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना और यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।